अनरिजर्व्ड रेलवे बुकिंग टिकट ऐप इंस्टॉल करने के लिए स्मार्टफोन होना आपका ज़रूरी है। वो स्मार्टफोन एंड्रॉयड और विंडोज़ जो भी है उससे हो जाएगा। पहले आप अपने स्मार्टफोन से गूगल प्ले स्टोर और विंडोज़ स्टोर से UTSON मोबाइल ऐप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। स्थापित करने के लिए डाउनलोड के बाद आपके स्थापित करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से UTSON ऐप लिखकर पहले सर्च करिए। वहाँ पर UTS ऐप दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ऐप को ओपन कीजिए। अपने ऐप को ओपन कीजिए। अगर आप न्यू यूज़र है तो साइन अप ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, आपका नाम, सिटी, आईडी प्रूफ लाइक वोटर आईडी, आधार कार्ड देना पड़ेगा और एक्सेप्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करके जनरेट ओटीपी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा, उसको आप ओटीपी पासवर्ड के जगह पर देकर उसका नीचे वाला बटन पर क्लिक कीजिए। जल्दी अपने नंबर पर हर 4 डिजिट का पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर पर पासवर्ड को देकर आप लॉगिन मोबाइल नंबर और पासवर्ड देकर आप लॉगिन कर सकते हैं। टिकट बुकिंग करने के लिए आपको आर वॉलेट पे रिचार्ज करना पड़ेगा निर्धारित बुकिंग काउंटर से। इसका लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। और दूसरे जगह से भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे utsomobile.indiarail.gov.in वेबसाइट से। आप 100 to 5,000 अमाउंट तक रिचार्ज कर सकते हैं। स्टेशन से 20 मीटर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस तक आप रिचार्ज आपके 20 मीटर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। सिंगल जर्नी के लिए बिना कॉन्सेशन के और रिटर्न जर्नी प्लेटफॉर्म सिंगल के लिए उसी स्टेशन के लिए। और सीजन टिकट खरीद पाएंगे। टिकट होने के बाद उसके आप अपने मोबाइल ऐप पर ही पाएंगे। बट टिकट एक बार हो जाने के बाद कैंसिल नहीं होगा और टिकट चेकर को दिखाने के लिए शो टिकट ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।